वेलकम टू नायला राशिद किचन। और आज मैं अपने किचन में कीटो गोभी कीमा बना रही हूँ। गोभी गोश्त नहीं, गोभी कीमा बना रही हूँ। आप गोभी गोश्त भी बना सकते हैं। इसके लिए देखें, मैं गोभी को काट लूँगी। कीमा मैंने धो के रखा है। एवोकाडो ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। कीटो में ऑयल यूज़ नहीं होता है, या आप बटर या घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको गोभी को मैं फ्राई कर लूँगी। ये गोभी को मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने एवोकाडो ऑयल थोड़ा सा डाला है। अब इसके अंदर मैं अनियन, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक मीडियम अनियन को मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको मैं सॉटे करूँगी। आपको पता है कि कीटो में हम टमाटर भी यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने इसको सॉटे कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, और उसे भी सॉटे कर लूंगी। आप अपने बेसिक मसाले डालेंगे उसके अंदर। कोरिएंडर पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, हसब ज़रूरत नमक, मसाले को भी सॉटे कर लें और इतना पानी डालें कि मसाला जल ना जाए। अब कीमा ऐड करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर इसके ऊपर लिड लगा देंगे और थोड़ा सा दम पे रख देंगे उसको। नमक ऐड किया, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, और जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा और ऑयल छोड़ देगा तो हम इसमें फ्राई गोभी ऐड कर देंगे। बस अब इसमें हम टमाटर यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप 1 टेबल स्पून इसमें दही यूज़ कर सकते हैं, या क्रीम का यूज़ कर सकते हैं आप। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और थोड़ी देर इसे दम पे रख दीजिए आप, तो आपका गोभी कीमा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीटो डाइट है ये, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।